जहां देश भर में कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनके समर्थन में कई सारे नेता देखते हुए मिल रहे हैं आपको। तो आइए हम जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी CPI ML रेड स्टार से कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो उनके साथ कितना समर्थन में। हम ये चाहते हैं कि तीनों ही जो कानून बनाए हैं एंटी पेजेंट्स वो रद्द करें, और चौथा जो है वो जो बिजली पर बनाया है वो भी रद्द किया जाए। और हम चाहते हैं कि MSP को विदड्रा मत करें, मार्केट सिस्टम ऐसे ही चले, जो मार्केट सिस्टम है जो और मतलब जो है वो चलना चाहिए, ये नहीं कि मार्केट सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरी जो पंजाब लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है वो 15 दिसंबर को हम महाराजा पटियाला के पैलेस का घेराव करेंगे। हम इसके लिए मनरेगा यूनियन के हमारे सारे वर्कर, हमारे सब वर्कर उसके घेराव में शामिल होंगे 15 दिसंबर को, और हम भी होंगे वहां पर। जो ये मीटिंग चल रही है किसानों को लेके, किसानों के बारे में मीटिंग, वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स है सरकार का, वो नहीं चाहते, सरकार नहीं चाहती कि इस के मतलब पक्ष में कानून लाया जाए। इवन जहां पर मोदी ने जो कल डिक्लेयर किया है हम पर और पाबंदियाँ लगाई गई हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं और हम उसको हरा कर दम लेंगे, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। दैट वी आर हियर स्टैंडिंग फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्कर्स ऑफ इंडिया। किसी को लग रहा है कि ये BJP के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी को लग रहा है कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, ये किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, सभी गवर्नमेंट के खिलाफ है। दिस इज़ द पीपल्स एजिटेशन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। हेयर वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस इन पंजाब। दे हैव नॉट फुलफिल्ड देयर प्रॉमिस, विच एवर द प्रॉमिस वर डन इन द लास्ट 5 years बिफोर द इलेक्शंस। वी आर स्टैंडिंग हेयर डिमांडिंग द राइट ऑफ द पीपल, किसानों के साथ हमारे गरीब लोगों का भी पीला कार्ड बनना चाहिए। They are thrown back, कि उनको एजुकेशन नहीं आती, उनका पढ़ना नहीं आता। We are standing here, we are educated, we know where we stand. साडा हक इत्थे रख। एंड विद दी कोल्ड विंटर्स कमिंग, हमारे वर्कर बिना कपड़ों के जाते हैं काम करते हैं, उनके लिए वर्दी के लिए उनके लिए स्वेटर्स होनी चाहिए, 5 लाख रुपए के घर बनाने के लिए ग्रांट होनी चाहिए। एवरी गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। आज तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हिंदुस्तान में नहीं हुई है, इवन आफ्टर द 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस। आई टूडे डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। हमारे लोगों के पास घर भी नहीं है, झोंपड़ियाँ हैं। Till how long you are standing with this Narega workers front? How long you guys are standing with this farmer? Well, very good question. वर्क जो फार्मर है वो खेत में काम, उस खेत का मालिक है, हम खेत में काम करने वाले हैं, तो हमें तो सारी ज़िंदगी ही खड़े रहना है। जब तक हमें अपने हक नहीं मिलते, हमारे घर में रोजी नहीं चलती, हमारे घरों में चूल्हा नहीं चलता है, रोटी नहीं चलती, वी विल बी स्टैंडिंग देयर। वी वांट फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस फॉर हेल्थ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो साडे नाल प्रोमिस किए सी 2017 दे विच इलेक्शन च, उन्हां सारे प्रोमिस तो भज गया। 10% सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पाउंदी है नरेगा दे विच, 90% जिहड़ा है वह सेंटर ने देना। पंजाब सरकार डिमांड नहीं करती, केंद्र सरकार पैसे भेजती नहीं है, मनरेगा वर्कर जिहड़ा हैगा वह करजाई हो चुका हैगा, और केंद्र दीयां नीतियां और पंजाब सरकार दीयां गलत नीतियां के कारण मजदूर जिहड़ा है नरेगा वर्कर है वह परेशान है। इस करके फैसला किया है कि 15 दिसंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह का घराओ उस तरीके नाल किया जाएगा जिस तरीके दे नाल सारे किसान मजदूर रल के दिल्ली नू घेर के बैठे ने, असी भी पटियाला 15 दिसंबर नू घेर रहे हैं। उहदे विच सब तो वड्डी गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ी नीति है गरीब के प्रति वह इक्को तरह की है जिस तरह केंद्र सरकार की, उस तरह पंजाब सरकार की भी है। हुण उन्होंने प्रोमिस किया कि तुहानू जिहड़ा असी कनाल प्लॉट देवांगे, जयराम रमेश जो सेंटर च मंत्री सन 2012 च डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार दे विच, वह हाले तक फैसला लागू नहीं हुआ एक कनाल प्लॉट का। 50 साल अगे किस तरह परिवार अगे वधणे, अगले 50 सालों मुख रखते हुए वह सारा फैसला जिहड़ा साडे कोल लैटर भी हैगा जयराम रमेश वाला, बकायदा सिग्नेचर वाला है, प्रोमिस होया है। तो पंजाब सरकार भी कांग्रेस की गौरमेंट है, इनू मनना चाहिए है, और केंद्र सरकार ने भी वह लागू नहीं किया। तो दोनों बराबर के जिहड़े इस टाइम एजिटेशन है, कल भी असी सपोर्ट कर रहे हैं किसान अंदोलन नूं, और सानू उम्मीद है कि 15 दिसंबर 2020 जिहड़ा असी पटियाले घराओ कर रहे हैं CM का,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। शशि चौरसिया के साथ कैमरामैन दीपक के साथ।